अब जब ये कीले तुम्हारी सीने के आर पार होगी ना, तब होगा इस चुड़ैल का मतलब पूरा। नहीं, नहीं। चिल्ला और जोर से चिल्ला, गला फड़ फड़ के चिल्लाओ, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए अब तुम्हारे शंकर पारो बिल्कुल नहीं आएंगे। मर चुके हैं दोनों, अब देखती हो कि तुम्हें कौन बचाता है। चिल्ला, बहुत जल्दी नागपणी मेरी होगी। बस मरे हुए वापस नहीं आते बेवकूफ औरत। शंकर, चीची, लल्ला, भैया, चौंक गई छुड़ैल। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम दोनों को खुद मरे हुए देखा था। सांप और उसकी कैचुल में फर्क कराने आता तुम्हें, ये जंग कैसे जीतोगी? तुम तो अपने दुश्मनों को पहचानती तक नहीं मोहिनी। जी जी चीची, भागिए यहाँ से, चलिए चीची, चलिए। के लालच में बहुत तबाही मचाई है तूने चुड़ैल, हमारा जीना मुश्किल कर दिया।
जिस घर में शादी करके आई, जिस घर की बहू बनी, उन्हीं को धोखा दिया? ऐसा कैसे कर सकती है तू? हर रोज मारने की कोशिशें, साजिशें, जिस परिवार ने तुझे सम्मान दिया, प्यार दिया, उन्हीं की जिंदगी में तबाही मचा दी। मगर अब बस, अब और नहीं। अब हमने ऐसी योजना बनाई है कि आज के बाद तू कभी भी किसी की भी जिंदगी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती तू। जीजी कुछ करो वरना मारे जाएंगे। कुछ करो जीजी। रंभा, अगर जान प्यारी है तो भाग यहां से, वरना तू भी बोतल में उतार दी जाएगी। नहीं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बाहर निकालो मुझे। मुझे छोड़ दो वरना। पारो, देखो मुझे छोड़ दो, मैं सुधर जाऊंगी, मैं वादा करती हूं मैं सुधर जाऊंगी। नहीं मोहिनी, हम तुझ पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि तू इस लायक ही नहीं। पारो मेरा भरोसा करो, मुझे इस बोतल से बाहर निकालो, मेरा यकीन करो मैं सुधर जाऊंगी। दिया, इससे सबको याद रहेगा कि इसमें वो गंदी चुड़ैल है। आज से हम सब आजाद हैं। अब एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत होगी। जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, अपने भक्तों पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना और हमारे सबके मन मंदिर में हमेशा बसे रहना। अब तो उस चुड़ैल से भी पीछा छूट गया है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे शंकर पारो हमारे साथ हैं, फिर डर किस बात का? सही कहा हम आपने, शंकर और पारो इस परिवार के ऐसे स्तंभ हैं जिसपे परिवार की खुशियां, भविष्य सब कुछ टिका हुआ है। नहीं बुआ जी, ये परिवार हमसे नहीं, हम सब से, और आज की ये जीत हम सब के नाम है क्योंकि आज से हम सब आजाद हैं और चुड़ैल का खतरा खत्म। अरे एक मिनट, और एक काम भी बाकी है।
अब कौन सा काम बाकी है अम्मा? शादी। शादी? हमारी शादी है। हम बात कर रहे हैं शंकर और पारो की शादी। अरे ये देखो, भोलेनाथ ने तो आशीर्वाद भी दे दिया। जय भोलेनाथ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ बंद करके अपनी खुशहाल जिंदगी जियोगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। तुम्हारी जिंदगी तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी। जी, आप जिंदा हो? क्यों? क्यों मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कैसे? जीजी, जीजी आप कहाँ हो? आप ठीक तो हो ना मेरी सौ में एक जीजी? मुझे नहीं पता रंभा, शंकर और पारो ने मुझे इस बोतल में बंद करके कहीं गाड़ दिया है। तुम्हें ये पता लगाना है कि उन्होंने मुझे कहाँ गाड़ा है। जीजी मैं कैसे ढूंढूंगी आपको? मुझे क्या पता पारो ने आपको दुनिया के किस कोने में गाड़ा है। जीजी ऐसे ढूंढते ढूंढते तो मेरे बाल सफेद हो जाएंगे ना। चाहे पूरी धरती खोदनी पड़ जाए तुम्हें रंभा, पता लगाओ कि उन्होंने मुझे कहाँ गाड़ा है। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। पर जीजी, पर मैं क्या करूँ? जीजी आप कुछ तो सोचिए जीजी, कोई तो तरीका होगा। उस नाग नागिन ने मुझे कहाँ गाड़ा है इसका पता सिर्फ एक ही तरीके से चल सकता है। क्या? स्वप्न सुंदरी को बुलाओ। जीजी, ये मिट्टी में कहाँ ढूंढूं मैं जीजी को? अरे तू क्या है ये? ये स्वप्न क्यों नहीं आई अब तक? क्या हुआ? जीजी वो स्वप्न तो आई नहीं अभी तक। बेवकूफ, तुम्हारी आंखों के सामने है वो। सामने? अपने इंसानी रूप में आओ स्वप्न सुंदरी। रात के साए मुझसे घबराए, मैं हूँ वो सुंदरी जो सपनों में आए। मैं हूँ स्वप्न सुंदरी। जी जी ये हल्की सी पिद्दी सी ये चुटकी भर सुंदरी ये नाग नागिन से सच निकल आएगी। कैसी बातें कर रहे हो? चुटकी हूँ पर बड़े काम की हूँ। इंसान जो जागते हुए नहीं बताता वो मुझे अपने सपनों में बता देता है। तो अपनी तारीफें बंद करो और जाकर पता लगाओ कि पारो ने मुझे कहाँ छुपाया है। जाओ उसके सपने में। तुम जाकर मुझे ढूंढना शुरू करोगे? इतनी खुदाई? हाँ जीजी, हाँ करती हूँ। बोल कहाँ है जीजी? फरमा नहीं, नहीं बताएंगे। मोहिनी जा चुकी, कभी लौट के नहीं आएगी। नहीं बताएंगे। अच्छा
तुझे तो मैं बताती हूँ। तेरी कुछ मत बताना पारो। शंकर, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ मत बताना। बोल पारो, 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 ये लो पानी पी लो। क्या हुआ, फिर वही सपना देखा क्या? शंकर, रंभा मोहिनी का पता पूछ रही थी और उसके हाथ में चाकू भी था। शंकर, मोहिनी वापस आने की कोशिश कर रही है। पारो, मोहिनी बाहर कैसे आ सकती है? 4 फीट जमीन के अंदर गाड़ चुके हम उसे। किसी को नहीं पता वो कहाँ है, कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। तुम बेकार चिंता कर रही हो पर। पर शंकर, अगर तुम चाहती हो तो मैं जाकर एक बार चेक कर लेता। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमें छोड़ के आप कहीं नहीं जाएंगे शंकर। पर आज का दिन इन सब चीजों के बारे में सोचने का नहीं। चलो। अरे वाह, ये जल्दी से वहाँ बहुत अच्छी की है। अरे ये सब फूल, इसे बाहर ले जाओ। अब सीमा, किसी को बुला। अरे ओ भैया, इधर आओ, इसको उठाओ यहाँ से। चल चल, वो ठीक करो। हाँ। अरे शंकर पारो, आखिरकार तुम दोनों की शादी देखने का मौका मिल ही गया। वैसे पारो हमारे घर की बहू तो थी, पर अब हमारी बेटी बन के आएगी। पर दादी अम्मा, इन सब सजावट की क्या जरूरत थी, हम तो पहले से शादीशुदा है ना। काहे नहीं पारो भाई, तोरा रिश्ता हम लोगों की तरह आम नहीं है। तुम नाग नागिन हो, जन्म जन्म का साथ है, अटूट रिश्ता है। अब इस रिश्ते के मान के खातिर ब्याह तो करे के पड़ी ना, क्यों अम्मा? हाँ, और वैसे भी तुम्हारी पहली शादी हमें याद नहीं है, तो इस बार तुम दाम से शादी करेंगे। आज हम बहुत खुश हैं। अरे ऐसे क्यों खड़े हो, जाओ जाके तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में मेहंदी की रस्म शुरू होगी, मेहमान आते होंगे, जाओ ना। जीजी, मेरी आधी उम्र बीत गई जीजी को ढूंढते ढूंढते। 1 हफ्ता हो गया, कब तक चलेगा ये सब? जीजी, जीजी, मैंने तो आधा गांव खो दिया, आप कोई मिल ही नहीं रही। तो बाकी का आधा भी ढूंढो, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जीजी, हाँ, मैंने कब बोला कि मैं नहीं खोदूंगी? मैं खोदूंगी ना, दिन रात सुबह शाम अपनी आखिरी सांस तक। और स्वप्न सुंदरी कहाँ है, पता चला उसका? आप खुद ही पूछ लीजिए। पारो, तुम्हें क्या लगा पार, सब ठीक हो गया? हर जन्म की तरह तुम्हारा प्यार इस जन्म में भी अधूरा रह जाएगा। पारो, पारो! अब ये बताओ, कुछ पता चला? 1 हफ्ते से मैं उस नागिन के सपनों में जाके पूछ रही हूँ, बहुत डराया, पर वो जवाब ही नहीं आया। उसका शंकर आकर मुझे डराकर उसे बचा लेता है। तो कोई और सपना ढूंढो, कब तक इधर फंसी रहूंगी? अगर पारो के सपने से नहीं पता चल रहा तो शंकर के सपने में जाओ। जब पारो को तड़पते हुए देखेगा ना, तो तोते की तरह बोलेगा उसका शंकर, समझी? उन दोनों की कल शादी है, एक बार ये रिश्ता जुड़ गया तो उनकी ताकत का मुकाबला करना असंभव है। वक्त बहुत कम है रंभा, तुम स्वप्न के साथ जाओ और इस बार कामयाब होकर लौटना संभव है। पारो, तुम्हें क्या लगा पार, सब ठीक हो गया? हर जन्म की तरह तुम्हारा प्यार इस जन्म में भी अधूरा रह जाएगा।
पारो, पारो। वक्त बहुत कम है रंभा, स्वप्न के साथ जाओ और इस बार कामयाब होकर लौटना। जी जी जी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम पर नजर रखूंगी। काम पूरा होना चाहिए, चीची का पता लगाना है। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा है। चलिए चलिए, देर आए। एक सेकेंड। ए दीदी, देखो तो कौन है ये? देखते। नमस्ते बहन। इतना बड़ा कुकट काहे निकाली हो? हम तो पहचान ही नहीं पा रहे, कौन हो तुम? वो हम शंकर की दूर की मौसी की बेटी के भाई की चचेरी बहन है। बधाई देने आए हैं, तोहफा भी लाए हैं हम। संभल के भाई, संभल के, संभल के। आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते। तुम्हें क्या लगा पारो, सब ठीक हो गया? हर जन्म की तरह तुम्हारा प्यार इस जन्म में भी अधूरा रह जाएगा। पारो, पारो, पारो। तुम्हें क्या लगा पारो, सब ठीक हो गया? हर जन्म की तरह तुम्हारा प्यार इस जन्म में भी अधूरा रह जाएगा। पारो, पारो, पारो।